नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं अहम खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। वर्तमान समय में मुंबई के राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा गहमी देखी जा सकती है। हमारा तो एक ही माना है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। जो लोगों के बीच में खड़ा है उसको कोई बोल बात की जरूरत नहीं, लोग अपने आप बोल चाहते हैं उसको, तो इसके लिए लोगों के दिल को करने की जरूरत है। लोगों की कड़ी झुकती है, कड़ी बच्चे लगा है, कड़ी नहीं हमें नहीं लगा। सारे पर तो एक ही चीज मानता है, सम्मान और प्यार। किसी से ना उद्धव बाला साहब साथ में उद्धव बाला में हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, अपना कर्तव्य मिला के पार्टी के साथ रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे अफजल बातुक सेना के महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा इन दिनों बातुक सेना को हर दिन मजबूत कर उद्धव ठाकरे के कारवां को बढ़ाते जा रहे हैं। अपने साइन कुलीवाड़ा पंजाबी कैंप कार्यालय में आए दिन बैठकों का आयोजन और इन बैठकों में नए नए पदाधिकारियों की संकल्प के साथ नियुक्तियां उनके द्वारा की जा रही हैं। इस क्रम में 19 जनवरी को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे अफजल बातुक सेना के 200 से 300 पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इनके बीच महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने थाना जिला अध्यक्ष के पद पर नीलेश भोर की नियुक्ति की है। इसके अलावा राजू तेवर की महाराष्ट्र उप सचिव के पद पर नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और खरोश नजर आ रहा था। देर शाम तक बैठक का दौर जारी रहा। इस अवसर पर क्या कहा महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सर जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से संगठन का लगभग मुंबई में पूरी तरह से विस्तार हो चुका है? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे औसण वातु सेना पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव है, वो करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत जो बढ़ा दिया, थाना जिला खाली पड़ा हुआ था उसकी नियुक्ति आज की गई है। माननीय श्री महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब के आदेश से ये नीलेश जी को नीलेश बोर करके उनको आकर थाना जिला अध्यक्ष बनाया गया। वो पहले से शिवसैनिक थे और अच्छा काम करते थे, वहाँ पे थाना में उनका नाम था। और हमारे महाराष्ट्र कमेटी के विजय माने साहब और नई मुंबई के जिला अध्यक्ष किरण निमकुले उनके थ्रू आए हैं और उन्होंने अच्छा काम करने का वादा किया है। तो आज महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, वैसे हमारे खासदार अनिल देसाई साहब, वैसे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य साहब के आदेश से आज नीलेश जी को नियुक्त किया गया। लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, देवेंद्र समाज के लोगों को आज आपने अफजल बातुक सेना में जोड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजू तेवर है, राजू और देवेंद्र दो तीन समाज है और इनका समाज यहाँ बहुत बड़ा है। साइन को लड़ा विधानसभा में तो ये राजू तेवर हो गए, कार्तिक हो गया और भी काफी कार्यकर्ता ऐसे है उन समाज के जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए हैं और उनको मेरे साथ वो 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं राजू भाई इधर, और उनका काम देखते हुए उनको महाराष्ट्र कमेटी पे लेने का विचार किया गया था। और जो महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष है माननीय श्री बल साहब, उनको इसकी रिपोर्ट दी गई। साहब ने बोला अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो उस विषय पे हमारी जो महाराष्ट्र की पूरी कमेटी है, शाहजी पाटिल साहब, नरेंद्र पाटिल साहब, हरमिंदर सिंह अरोरा जी, विजय माने जी और हमारे अध्यक्ष और बल साहब, उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है इनको महाराष्ट्र का उपसचिव बनाया जाए। तो आज उनको भी नियुक्त किया गया महाराष्ट्र उपसचिव। वो 3 साल से हमारे साथ मुंबई उपसचिव के पद पे काम कर रहे थे और उन्होंने काफी अपने समाज के लोगों को, देवर समाज और देवेंद्र समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। आज भी वो 40 से 50 लोगों के साथ यहाँ आए हैं और वो भी कल सदस्य बनने वाले हैं सब। तो ऐसे नीलेश जी के थ्रू 100 लोग सदस्य बने थाने जिले से, राजू भाई के थ्रू 50-150 लोग आज सदस्य जुड़े हैं। तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानने वाले काफी कार्यकर्ता है जो साथ में जुड़ रहे हैं। सच्चाई की जीत होती है, झूठ का बोलबाला ज्यादा चलेगा नहीं, चोरों का बोलबाला खुलने वाला है और सच की जीत होने वाली है। क्या बातुक सेना का विस्तार पूरी मुंबई में हो चुका है? शिवसेना औजड़ बातुक सेना का पूरा मुंबई में 5 जिले डिक्लेयर हो गए, 1 जिला खाली बचा है मलाड का, वो बाकी है। उसमें अच्छा जिलाध्यक्ष नहीं मिल रहा जिसे हमने रोका हुआ है। हमारे जो अध्यक्ष है माननीय श्री पाल साहब, उनका एक ही कहना है 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना खाली पड़ा रहेगा, चलेगा जिला,
पर वहाँ काम करने वाला आदमी चाहिए जो लोगों का काम कर सके, जो लोगों के बीच में जा सके। ऐसा तो मेरा 6 लोग खड़े हैं मालाड से जिला अध्यक्ष के लिए, पर उसमें से एक भी काबिल नहीं जो काम कर सके। हमने उनको बोला आप पहला काम करना सीखिए, जब आप काम कर पाएंगे लोगों के बीच में जाके पार्टी का, तो आपको जिला अध्यक्ष बनाएंगे। पार्टी की उनसे क्या अपेक्षा है? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे औजल बातू सेना की एक ही उनसे उम्मीद है, वो उम्मीद यही है जो शिवसेना की पॉलिसी है, 80% समाजकरण 20% राजकरण। उनको यही बताया गया लेटर देने के टाइम पे, आप लोगों का काम कीजिए, पार्टी और कुछ नहीं चाहिए इनसे, लोगों की प्यार लोगों का आशीर्वाद चाहिए पार्टी को, जो कार्यकर्ता दिलाएगा, जो कार्यकर्ताओं को पार्टी पद देती है वो कार्यकर्ता फिर ग्राउंड लेवल में वहाँ काम करता, अपने क्षेत्र में काम करने से लोगों में अपनी छवि बनाता है, जब उसकी छवि बनेगी तो पार्टी की अपने आप बनेगी, जब पार्टी की छवि लोगों के बीच में बनेगी लोग उसको मानेंगे तो पार्टी को मानेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश भरा है, तो ये समझा जाए कि आगामी मनपा चुनाव की तैयारी के लिए अब जो बातों सेना पूरी तरह से तैयार है। देखिए मुंबई कर जो है वो शिवसेना को उद्धव जी और बाला साहब को बोल नहीं सकते, वो हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो वन साइड सीट है, क्योंकि उसका उदाहरण दे रहा हूँ, मुंबई से एक ही नगर सेवक गया है 227 में से 226 बाला साहब उद्धव साहब आदित्य सबको मानने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे औजल बातू सेना कमर कस के पहले भी बैठी थी आज भी बैठी है, और हम एक ही रात में दिखा सकते हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे क्या है, हमको 1 महीना या 2 महीने नहीं चाहिए। तो हमारे को बाला साहब उद्धव साहब आदित्य साहब का इतना आशीर्वाद उतनी हिम्मत है, हम दिखा सकते हैं कि औजल बातू सेना क्या है, वो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आपको दिखेगा मुंबई और थाना में कि हम लोग क्या है। आज कौन कौन पदाधिकारी आपके प्रदेश के कैंप में उपस्थित? आज पूरी महाराष्ट्र कमेटी है, हमारे महाराष्ट्र राज्य सचिव शाहजी पाटिल साहब है, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल साहब है, मुंबई कार्य अध्यक्ष अब्दुल भाई है, मुंबई सचिव सोहेल जी है, और पूरी कमेटी है, जिला अध्यक्ष तुषार शिंदे है, रोहन है, सभी लोग हैं, तो पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, और ये कम से कम 200-250 लोग हैं कार्यकर्ता और पूरे पदाधिकारी। महाराष्ट्र अध्यक्ष कुछ कारण से आउट ऑफ मुंबई है, वो परसों मुंबई में आएंगे 22 तारीख को नीलेश जी अपना एक ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रख रहे हैं बड़ा महाराष्ट्र, तो वहाँ भी आने वाले हैं और वहाँ अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, कम से कम 300-400 लोगों को वहाँ बॉटलें देने वाले खून की, तो ऐसे कार्यक्रम शिवसेना उधर वापस आना चाहते हैं। लास्ट में पूरी मुंबई को पूरे महाराष्ट्र को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सही क्या है गलत क्या आप जानते हो, उसको देख के आप आगे बढ़िए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और औजल वातुक सेना, बाला साहब को बच्चा बच्चा और बड़ा हर कोई मानता है, और हर एक को पता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में आगे को लाया तो बाला साहब ही लाए हैं, और बाल ठाकरे जी के पुत्र हैं उद्धव जी ठाकरे, उनकी उनका हक है शिवसेना पे, और कोई बाहर से उठ के बोलेगा कल का कि मेरा हक है, तो जनता जानती है। लास्ट में यही बोलूंगा, जनता खुद सब जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है शिवसेना किसकी है। जय हिंद जय महाराष्ट्र। राजू भाई आपको सचिव बनाया गया, क्या कहेंगे, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे? வந்து கட்சியில் சேர்ந்ததுலேருந்து ரொம்ப சந்தோஷம், இதில் நாங்கள் சஞ்சி பாய் கூட சேர்ந்ததில், அப்புறம் பத்துக்கு சேனா எங்கள் நம்ம வந்ததில் இதில் நம்ம சேர்ந்து எல்லாமே எல்லாம் பெரியவாக பண்ணுவேன், எல்லா மக்களுக்கும் நல்ல மாதிரி செஞ்சு இதில் அப்புறம் இதில் எல்லாம் சேர்த்து எல்லா மக்களையும் சேர்த்து எங்கள் வந்து சஞ்சி பாய் கூட சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாம் வேலை செய்வோம். ஆப்கே சமாஜ் கே லோக் ஆப்கே ஜுடனே கே பாத் கிஸ் தரஹ் சே ஜுடோங்கே ஆப்? सब समझ के हम विभाग लेके आए भाई, अपना शक्तिवाद सब में पूरा जमा करेगा। कार्यकर्ताओं का जोश और नियुक्तियाँ की गई, क्या कहेंगे, संगठन कहाँ पे पहुँच रहा है? महाराष्ट्र अवजड़ वाहतूक सेना जो कुछ भी बल मिला है हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब इंद्रजीत बल साहब के वजह से, और हमारे कार्याध्यक्ष सतीश साहब के वजह से, और हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम जो है, कमेटी जो है, हमारे सचिव है शाहजी पाटिल साहब, नरेंद्र पाटिल साहब, और सारे बहुत सारे लोग हमारे कमेटी में है, उनके जरिए ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। पूरे 36 जिलों में हम लोग एक संगठन अपना लेके शिवसेना का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद हर जिला में, जैसे हमारे नवी मुंबई में हमारे जिला प्रमुख किरण हिनुकले साहब है जिनको दाजी बोला जाता है, तो उनके जरिए भी नवी मुंबई और थाना जिला और ये सब एक अच्छी तरह से उनकी जो बोलते हैं कि बंधन करने का काम शुरू है, अच्छे संगठन बनाने का काम शुरू है, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सतीश साहब के मार्गदर्शन में सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। नीलेश भाई आपको आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया, थाना का जिला अध्यक्ष बनाया गया, इस जिम्मेदारी को किस तरह से कैसे निभाएंगे? देखो हम शिवसैनिक है, बचपन से लेके जैसे हमें पता चला है वैसे ही लोगों का सेवा करना, जैसे शिवसेना का जो वृद्ध वाक्य है 80% समाजकारण और 20% राजकारण, पहले से हम शिवसैनिक है
पहले से काम करते आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं छुड़ाते आ रहे हैं। उसी हिसाब से आज के डेट में जो चल रहा है, आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है, किस तरह से करप्शन चालू है, आज रोड की हालत क्या है, आज ड्राइवर, आज जो बड़े बड़े मालिक से जिनकी गाड़ियां है, आज उनको कितनी तकलीफ हो रही है, इसके लिए कोई ना कोई आवाज उठाना चाहिए। हमेशा ही देखा है एक सीधे साधे सामान्य आदमी को अगर किसी ने बड़ा किया है तो वो शिवसेना ने किया है। आज मेरे जैसे एक शिवसैनिक को भी शिवसेना ने इतना बड़ा काम करने का मौका दिया है, तो उस हिसाब से जो कोई तकलीफें जो आम जनता को या ट्रक चालकों को या फिर किसी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो छुड़ाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।